तो गाइस आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं फुकरा इंसान की एक नई वीडियो पे, जिसमें वो ब्लाइंड डेट कर रहा है। तो हम भी अपना रिएक्शन देते हैं, हमें क्या क्या पसंद आएगा उस वीडियो में और हमारा क्या रिव्यू रहेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Alright guys, yo, what's the video? Welcome यार जल्दी वीडियो स्टार्ट होगी। वीडियो में हम पांचों है विंगमैन। किस विंगमैन? वैसे विंगमैन का मुझे मतलब नहीं पता, कॉमेंट्स में बता देना। विंगमैन मतलब हम भेजने वाले हैं जासूस किंग को डेट पे, ब्लाइंड डेट पे, वो भी पांच लड़कियों के साथ। अच्छा, विंगमैन का ब्लाइंड डेट गाइस। और हम उन लड़कियों को जज करने वाले आउटफिट के बेसिस पे। कैसे जज करे तूने उसको? अरे यार ऐसा कमेंट कर, छोटी आपकी सोच है, ये मैं नहीं जज। वैसे ये ना इसे आराम से पीट सकता है, जिस तरह से इसे पकड़ा है ना। करने वाला है जासूस, जज करने वाला है। और हर राउंड में, मतलब पांच राउंड होने वाले, हर राउंड में जो उनके सामने पर्दा होगा वो ऊपर 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 होता रहेगा। और हर राउंड के बाद हम पांचों डिसाइड करेंगे कि कौन। कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहे? वैसे होना चाहिए। उसके लिए अनफिट है डेट पे जाने। जासूस कैसा फील कर रहा है इसके बारे में? ऑस्ट्रेलिया में यार 6 महीने मैं सिंगल रहने के बाद मैंने वापस आते फुकरा भाई को बोला यार कुछ डेट शेट का इंतजाम कराओ, तो उन्होंने मेरे लिए इंतजाम किया है 5 डेट्स का। अबे कितनी झूठ बोल रहा है यार। तो ब्लाइंड फोल्ड पहन लेते हैं अपना और डेट के लिए हो जाते हैं तैयार मेरी जान। तो गाइस गर्ल्स आ चुकी हैं। मैं रिव्यू दूं ना, बताओ कि क्या आउटफिट मैटर करती है? करती है। देखो ये तो कभी नहीं बोलेगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टाइलिश रेडी होता है, तो बोलेगा आउटफिट मैटर्स। अरे नहीं, आउटफिट मैटर करते, बिना आउटफिट तो अच्छा नहीं लगेगा। अबे क्या कह रहा है ये? क्या कह रहे हैं ये? ओके गाइस, तो पांचों लड़कियां वहां पर आ गई है और सबकी आउटफिट्स। गाइस मैं बताऊं, मुझे जूतों के हिसाब से बताऊं, एक तो ये फर्स्ट वाली ठीक लग रही है और एक थर्ड वाली, क्योंकि यार ये बाकियों का मुझे थोड़ा सा फेक टाइप सा लग रहा है। काफी ज्यादा डिफरेंट लग रही है। क्या बोलते हो, क्या करवाना चाहिए इससे? पट्टी खुलवा दीजिए पहले। पट्टी पट्टी उतार और फर्स्ट इंप्रेशन तेरे को क्या दिखता है उनके जूतों से, उनकी किक्स से? चलो भाई पर्दा उठाते हैं फाइनली। जासूस भाई साड़ी वाली को बोलो ये तूने साड़ी तिलक नगर से खरीदी है ना, में दो भाई पहले नाम तो पूछ लूं। वैसे एक बात, ये मोटा साड़ी की दुकान पे क्या कर रहा था, है ना? साड़ी की दुकान पे क्या लेने गया था? अबे यार इसकी मम्मी या दीदी भी होंगी, उनको दिलवाने गया होगा, पर 150 रुपए की दिलवाएगा यार? ये तो इसने अपनी बेइज्जती करवा ली खुद। अरे नीचे से क्या झाग रहा, कुछ नहीं दिख रहा भाई। अबे यार पहली बार लड़की है भाई, पैर बड़े गोरे गोरे हैं, चप्पल भी बहुत अच्छी है उसकी, जब पड़ेगी तो पता लगेगा। वैसे मोस्टली यार पहली चारों लड़कियों ने चप्पल पहनी हुई है, बस लास्ट की एक लड़की ने जूते पहने हुए हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा भाई जैसे मोपी के जूते वो चोरी करके लाई है, मेरे को ऐसे लग रहा है। चप्पले उसने इसलिए पहनी है क्योंकि तेरे को वो मारेंगे चप्पले उतार के, और जूते इसलिए ताकि वो भाग सके तेरे से। मतलब हर सीन में मैं ही गलत हूँ। शुरू करते हैं, लेफ्ट लड़की से नाम पूछ, वो क्या करती है? कॉलेज, इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम तो ठीक है। गर्ल नंबर वन, हेलो, हाय। हाय मतलब हाय में इतना, मेरे नाम से मेरा, आई एम सॉरी, देखा मैं कितना नर्वस हो गई आपको लेकर। ओह माय गॉड, अबे यार स्टार्ट तो लेफ्ट। हाँ भाई वो इतना भी भाई वो। आपका नाम क्या है? थोड़ा और पूछो तब बताऊंगी। यार थोड़ा और तो मैं पूछ लेता पर मेरी आदत है, मैं एक ही बार पूछता हूँ। मुझे समझ में नहीं आया गाइस सच में। चलो पहली लड़की का नाम हम जिद्दी रखे हैं क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये जिद्दी हैं। ओह नाइस 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 नाइस, गुड वन। नहीं मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि आप काफी लंबे हैं, अमिताभ बच्चन जैसे। ओ भाई साहब, ये लड़की तो दिल को छू गई फुकरा भाई। भाई को पहली बारी में प्यार। वैसे कॉम्प्लीमेंट अच्छा था, लड़के जो है हाइट से ऑब्सेस्ड होते हैं। क्या नाम है? चलो मैं आपको अपना नाम बताती हूँ, मेरा नाम है हिमांशी। क्या नाम? हिमांशु। हिमांशु। अरे गाइस वैसे एक बात बताऊँ, हमारी क्लास में एक लड़का लड़की है जिनके सेम नाम है, यशस्वी एक लड़की है और एक यशस्वी लड़का है, पर यशस्वी लड़का नॉन अटेंडिंग, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती क्लास में।
नहीं, मैंने आपका नाम का जेंडर नहीं बदला। वैसे हमारे ये ट्रेंड चलता है कि अंकित होता है तो उसका अंकित, अंकिता, हर्षित होता है उसका हर्षिता, तो ऐसे ही मैंने थोड़ा मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गई, ठीक है आपको माफ करा। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने जो ये क्या बोलते हैं चप्पल पहने हैं सैंडल पहनी है, तो ये क्या सोच के आपने कॉम्बिनेशन यूज करा? मेरे को अच्छी लगी ग्रीन। चलो आपको तो अच्छी लगी पर मुझे अच्छी नहीं लगी। चलो ठीक है, गर्ल नंबर थ्री आपका क्या नाम है? हेलो, माय नेम इज ईरा। अबे ये तो रशियन लग रही है। ओहो इंग्लिश इंग्लिश इंटरनेशनल इंतजाम, आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। सो हाउ आर यू? अबे क्या कह रहा है ये? My English also very very bad, but I will try understand you and give you answer for your questions. I think. अबे हाँ ये रशिया की, इसको भी कहा इतनी English बोलनी आती होगी। Language doesn't matter in love, yeah. Because both start with L. Love starts with L. हाँ तो language doesn't matter ना। ज़्यादा deep हो गया। भाई भी तो उसी का ही से समझ आएगा सिर्फ। मैं एक्चुअली जासू जानना चाहता हूँ तुझे ये NRI कैसी लग रही है? ड्रेस तो बड़ी अबे यार ये पूरी पील लेगा यार। तो बड़ी चौके से भाई। भाई खत्म करो चैलेंज, डन है। तो गर्ल नंबर फोर, व्हाट्स योर नेम? आप मुझे प्यार से क्या बोलोगे? बहन। प्यार से क्या बोलता हूँ? जान। नहीं कुछ और। चलो मैंने तो अब आपको बता दिया, आपका नाम क्या है? मेरा रिचा। रिचा यार इसने सोचने में नाम टाइम क्यों लगाया? यहाँ अगर मैं टाइम तो लगा है यार, टाइम तो लगा है, तो मेरे को थोड़ी फेकनेस की फीलिंग आ रही है। मेरे को भी झूठ पसंद नहीं है, सीधा बोलते कि हमें झूठ पसंद नहीं है भाई। I don't like lies. तो मैं जैसे कि आपको देख रहा हूं कि आपने हील पहनी है, तो आपकी एक्चुअल हाइट क्या है? It's 5'4" और विद हील कितनी है? 5'7" यार फिर भी आप छोटे रह गए, मैं तो 6.5 फुट का हूँ। रिचा आप क्या काम करते हो? आपको इम्प्रेस। तो ठीक है। अबे यार ये तगड़ी तगड़ी तगड़ा फ्लर्ट कर रही हैं लड़कियां, चूज करना बहुत मुश्किल होगा। गर्ल नंबर फाइव आपका क्या नाम है? मेरा नाम कोमल है। नाम कोमल और जूते आपने इतने सख्त पहन रखे हैं। आप जूतों पे क्यों जा रहे हो? वैसे मैं एक चीज देख रहा हूँ यार, सबने यहाँ पे हील पहनी है, सिर्फ आपने जूते पहने हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो या अपने छोटे या बड़े भाई के जूते पहन के आए हो? नहीं नहीं एक्चुअली मेरी हाइट बहुत अच्छी है। एक बात तो पता चल गई, लड़कों का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है, छोटी छोटी बातों में बेइज्जती मार जा रहे हैं लड़कियों की और उन्हें पता भी नहीं चल रहा। कितनी हाइट आपकी? 5'6" वो साइड वाली से कुछ बोल रही है। तो मुझे ये पूछना है कि ना मेरे घर का पंखा काफी गंदा हो गया, तो आप खड़े खड़े साफ कर सकते हो उसको? नहीं आपकी हाइट अच्छी है, अगर 3-4 इंच की हील और पहना देंगे तो 6 फुट चली जाएगी हाइट। मैंने अभी सुना आपकी हाइट भी 6 point something है। एक काम करता हूँ, मैं आपको गोदी उठा लूंगा, आप पंखा साफ कर देंगे। ये सही कॉम्प्लीमेंट मार रहा है यार ये भी। गाइस राउंड वन के लिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस बहुत सही है, हमारे को इंट्रो मिल गया हर लड़की का। तो अभी क्या होने वाला है, आप पांचों लड़कियों में से एक लड़की होने वाली है एनिमिनेट आई थिंक। मैं गेस करूं कोमल हो गया एलिमिनेट पक्का। फोर्थ वाली बहुत तेज है, वो फिफ्थ गर्ल को समझा रही है, बट फिफ्थ गर्ल के पास अपनी खुद की जुबान नहीं है। जूते भी नहीं अच्छा लग रहा। मैं इसका मुंह देखना चाहूंगा। हम लड़कों को लगता है कि फिफ्थ लड़की की खुद की जुबान नहीं है, उसके कान फोर्थ वाली लड़की भर रही है, इसलिए हम फिफ्थ लड़की जो कोमल है कोमल को एलिमिनेट कर रहे हैं। और आप बाहर आ जाइए मुखड़ा प्लीज, दर्शन बड़े जरूरी, मैंने नींद नहीं आंदी। तो आप बताएंगे क्यों आपने मुझे एलिमिनेट करा? नहीं मैंने एलिमिनेट नहीं करा आपको, वहाँ पे मेरे 4-5 भाई बैठे हैं। हेलो, एक तो साइड रो भेज दिया। मैं विंगमैन की तरफ, विंगमैन की तरफ। तो एक तो आप है ना कुछ भी खुद की तरफ से नहीं बोल रहे थे, जो भी था वो आपकी आई डोंट नो आपकी फ्रेंड है या क्या है, लेकिन फोर्थ नंबर की आवाज हमें हमेशा आ रही थी। तो ये देखो ये कैसे लगे, बस देख के बताएं कैसे लगे? नहीं भाभी बनने के लायक नहीं हो आप, सेम घर में आ सकते हो मेरे बन के। ये गाइस पर्दा ऊपर हो गया, पता चलेगा किसने क्या पहन रखा है। कुर्ता पजामा पहन के आई है सबसे पहले। पजामा लग रहा है, सेकंड की ड्रेस लग रही है, थर्ड की साड़ी और फोर्थ की फटी जीन, और सेकंड वाली की हाइट भी बहुत छोटी लग रही है। ओके जासूस, राउंड वन में हमने हर लड़की का नाम जाना और हमने उनकी आवाज सुनी, बट अब राउंड टू में हम क्या करने वाले, हम उनसे पूछने वाले वो एक्चुअली में क्या करती है। तो तुझे हर लड़की से पूछना है वो क्या करती है। तार दे मास्क क्या करती है?
तेरे को वैसे चारों में से सबसे अच्छा आउटफिट किसका लग रहा है? अपन एक गाने से बताएंगे कि चारों में से किसका आउटफिट पहले वाली का लग गया क्योंकि इसका नॉर्मल है। लग दी क्यूट तू मेनू, पहली वाली का था गाइस अच्छी, पहली वाली पे दिला रहा है प्रेडिक्टेबल, हिलडुल रही थी बहुत ज्यादा, देखा नहीं अभी सुनते ही गाना है वाइब, ये वाइब मैच चोरी है तो एक बार उससे पूछ वो एक्चुअल में क्या करती है, और ये भी पूछियो कि उसकी आइडियल डेट क्या होगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ, देखो मैं आपसे तब तक बात नहीं करूंगा अगर आप कुछ ज्यादा जोर से नहीं बोलोगे, अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगा सकता हूँ अगर आपको भूख लगी है तो। पेट तो मेरा भरा हुआ है लेकिन मुझे आपसे भरना है अभी। अबे ओए क्या कह रहा है, आपसे पेट भरना है, क्या कह दिया यार, बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो फ्रैंक। बंद करो, 9 महीने लगेंगे इस बात को। मोटा मोटा पूरा मजा ले रहा है यार। जासू शादी से पहले मना कर दे। क्या आपने मुझे मिस किया? मैंने आपको देखा है तो मैं आपको मिस क्यों करूंगा? काम करो, अगर आप मेरे को गाना सुना दोगे तो मैं आपको जरूर मिस करूंगा। मेरा एक फेवरेट गाना है कि एक दिल रुबा है, सुना आपने? मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, शादीशुदा है, दो बच्चों की माँ है। कॉपीराइट कॉपीराइट। जासूस तो उससे पूछ वो कहाँ तेरे को परफेक्ट डेट पे लेके जाएगी, पूछ। आप ये सपोज करो मेरे पास अनलिमिटेड पैसा है, अब आप मेरे को बताओ कहाँ चलना चाहोगे? मैं फिर भी सड़क की पानी पूरी खाना चाहती हूँ आपके साथ। अबे यार अबे यार ये बिल्कुल तगड़े कॉम्प्लीमेंट दे रही है, हाइट वाला भी अच्छा दिया था इसने। मतलब आपका रियल नेम क्या है? नाम तो वैसे मेरे को बाकी तीनों का भी नहीं पता, अब तक मैं भूल चुका हूँ। अच्छा मैं बता देती हूँ, मेरा नाम मानवी है, माई एज इज 26। 26 गर्ल नंबर 1 है मानवी, एज 26। अब चलते हैं नेक्स्ट। मैं तो 17 साल का हूँ। गर्ल नंबर 2 पे आप मेरे को ये बताओ करते क्या हो? मैं गेस करो, आप हो ना जासूस, आप बताओ। गेस करो, गेस करने को ऐसे थोड़ी ना कुछ गेस कर सकते हैं, कुछ दिखाएंगे जब भी तो हैंड्स वगैरह। तो यार मैं बिना बंदे को देख कैसे गेस करूं, एटलीस्ट अपना हाथ हो तो दिखाओ कुछ, मैं हाथ की रेखा में का पढ़ो तब बताऊं। देखिए मेरे हाथ हाथ पकड़, हाथ पकड़, हाथ पकड़। आपने मुझे टच करा? जरा जूम करो भाई, जूम करो। क्या आपकी रेखा तो अच्छे, मैं आपका अमिताभ बन जाऊंगा। देखो दिखाइए। वही बात है, कुछ मजबूरियां, कुछ बेड़ियों ने मेरी हाथे जकड़ रखे हैं। तोड़ दो ये जंजीरें, तोड़ दो, तोड़ दो जंजीरें। यार ये तो बहुत ज्यादा हो रही है, किसे नहीं निकालेंगे। इससे पूछ कि आपकी आइडियल डेट क्या है, मुझे बॉलीवुड नहीं चाहिए। मैं आपसे ये पूछूंगा, मान लो अगर हम दोनों डेट पे जाते हैं और मेरे पास रखा है कैश बहुत, हम लोग कहाँ जाएंगे डेट पे? नुक्कड़ की चाय साथ में मट्ठी। ओए अरे क्या फैंसी चाहिए, फैंसी चाहिए, लग्जरी। हाई थिंकिंग क्यों नहीं रखते यार, इनको बात तो सही है, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। अबे वाह यार, चलते हैं भाई। तो हाय, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश नाउ। यस हाउ आर यू? I'm good. How are you? Oh, I'm very good. ये इंडियन तो नहीं लग रही। कौन ना रे ब्रो? Oh, Russia. So I need to know what is your nationality? Yes, I'm from Russia. Oh, बेटे, मट्टे से इज्जत तुम्हारा है। Ask Ira to rate herself on scale of 0 to 10. So I want to know that how many marks will you give yourself? Self. Seven. Self. Self. I like her honesty. I like your honesty. Click. So I love you. ये देख रहे हो लड़के का फायदा, एक रशियन ही बोला उसने कि मैं रशियन हूँ। और हाँ, so I need to know if you get a chance to take me on a date and I have unlimited money, so where you want to go? Goa. दुबई। अबे Goa. Okay, next. Goa भी ठीक है। रिचा पे आजा। रिचा जी, क्या आपकी पैंट क्यों फटी है पहले बताओ? I was walking and there was a scooter in between and. अरे हिंदी में बोल, ये तो देख ले। तू रशियन थोड़ी है मेरी बहन। क्या आप मेरे को हिंदी में बता सकते हो सारी चीजें? मुझे पहनना पसंद है एंड सेकंड ये थोड़ी ज्यादा फट गई बिकॉज मैं कुछ ऐसे रोड पे जा रही थी, वहाँ पे बीच में स्कूटर था और मैं इसे रश कर रही थी जिसमें ये लग के फट गया। अरे सेल में भाग रही थी ये, पक्का मैं बता रहा हूँ जारा की सेल। इसको बोलो परसों वाली। ये जरूर जाता है जारा की सेल में। वैसे एक बात तो है यार, इसका मतलब इसे ड्राइविंग नहीं आती अच्छे से। पॉइंट पहन के आ गई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऑनेस्टली आप मेरे को ये बताओ कि आप कितने दिन के बाद में आया हूँ? अबे यार गर्मियों में तो रोज नाता है। मेरे को आपके थोड़े घुटने से काले काले लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वहाँ से थोड़ा वो नहल उतरा नहीं। आप उतार दो।
अबे यार ये तो सीरियस हो गया यार। तो आप बताओ कहाँ उतारने चलूं? कहीं यहाँ भी वॉशरूम है, उतार दो। अबे यार ये YouTube पे डलेगी ना। क्या हो रहा है भाई, मैं नहीं हूँ यहाँ पर। ये वीडियो डिलीट जाएगी। तो आपसे मेरे को ये पूछना, आप करते क्या हो? आई एम डॉक्टर बाय प्रोफेशन। डॉक्टर? डॉक्टर? तो आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लो हमारे पास अनलिमिटेड पैसा, तो आप कहाँ पे डेट पे जाना पसंद करोगे? ये कुछ डॉक्टर है ना, तो शायद बाहर जाने की कहेगी। सो आई रियली वांट टू गो टू नॉर्वे। पर नॉर्वे में करेंगे क्या? बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वैसे मेरे को दो चीजें तो पता है, एक तो नेटफ्लिक्स एंड चिल, फिर हम डॉक्टर डॉक्टर गेम भी खेल सकते हैं। अबे यार बचपन में मैंने भी खेला हुआ डॉक्टर डॉक्टर। मैं पेशेंट बनूंगा। जासूस, हम ये जानना चाहते हैं तुझे इस वक्त सबसे ज्यादा अच्छी डेट किसकी लगी, और तेरे को क्या लग रहा है सबसे मतलब किसको नहीं निकालना चाहिए तेरे हिसाब से हमें इस राउंड में? मुझे लगा है भाई चारों ही बहुत अच्छे हैं, तो जिसको नहीं निकालना है रिचा मेरे को काफी अच्छी लगी यार। पैंट उतारने के लिए देखो थर्ड वाला नहीं समझ आया। थर्ड वाली को थर्ड वाली निकाल दो भाई। मेरे को लग रहा है मेरी वीडियो के हिसाब से वल्गर हो रही है। फोर्थ को निकाल। नहीं नहीं फोर्थ 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 मोटिंग अच्छा सुनो फोर्थ। तो जासूस, दो जानों ने बोला है कि वो रिचा को निकालना चाहते हैं, मैं भी हूं उनमें से। मुझे लगता है कि रिचा को नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत थोड़ा वल्गर टॉक हो रहा था। तीन जाने चाहते हैं कि हम गर्ल नंबर 3 ईरा को निकाले। क्यों? हम नहीं चाहते जासूस भाई को रशियन मिले। भाई सदमे में चला गया। ये इसको रशियन को ही निकालेगा पक्का, क्योंकि रिचा से इसकी थोड़ी सी फीलिंग मिल रही है। इसको लेके आओ। तो विंगमैन्स का रिजल्ट आ चुका है, और उन्होंने मेरे को ये बोला है कि दो लड़कों ने वोट करे हैं रिचा के लिए कि वो उसको एलिमिनेट कर दें, क्योंकि काफी वल्गर टॉक्स हो रही थी। और तीन लड़कों ने ये डिसाइड करा है कि ईरा को आउट करें। सो ईरा इज एलिमिनेटेड। तो प्लीज ईरा, पता था, यू कम आउट एंड बाकी लड़कियां वहीं खड़ी रहेंगी। देखे तो भाई दर्शन कर लें। अबे यार मैं तो सोच रहा था गोल्डन ईयर्स मिलेंगे। हेलो, राम राम। हाउ आर यू? राम 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 राम। ओहो भाई, ये तो हरियाणा की मैच भाई, मैच हो गई। यू नो हरियाणवी थोड़ा थोड़ा। सो कैन यू रिपीट आफ्टर मी? यस। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love you too. Let's go bro. तो अब है अगला राउंड, और इस राउंड में सबका मतलब जो हमारा पर्दा है वो ऊपर तक उठ चुका है, तो ये कंधे तक आ चुका है। अब नाउ वी कैन सी एवरीवन क्लियरली, पर मुझे तीनों लड़कियां सेम सी लग रही है, बस ड्रेस आउटफिट अलग। मुझे तो फर्स्ट अच्छी लग रही है। हाइट बिल्कुल सेम है तीनों की, मेरा ऐसा लग रहा है। सेकंड डन है। क्यों है भाई? मतलब आउटफिट बहुत अच्छा है उसका। ये कहना तो कुछ और चाह रहा था, पर इसने आउटफिट का नाम ले दिया। एक बंदा जो यहाँ मिसिंग है वो है वैलेंस। yes, जो जाने वाला इस राउंड में जासूस के साथ उसकी मदद करने, बिकॉज अबे यार ये जासूस थोड़ा ना फीका पड़ रहा है। ओके जासूस, आर यू रेडी टू टेक द ब्लाइंड फोल्ड ऑफ? आई एम रेडी ब्रो। वैलेंस को भी बुला ले और शुरू करते हैं। अरे बेस की भाई तुम कहाँ आ गए? अरे भाई तुम अकेले के लिए फायदा उठाओगे, ऐसे थोड़ी नहीं होने दूंगा। यहाँ बढ़िया नजारे यार थे भाई, क्या मूड इकट्ठा कर दिया। मूड इकट्ठा। इस राउंड में हम एक लड़की को एलिमिनेट करने वाले हैं। कुछ सिचुएशन देते हैं, चल ठीक है। वो तीनों से सेम ही सिचुएशन पूछ कि अगर आप और मैं एक आइलैंड पे अकेले हूँ, तो आप मुझे कैसे स्पेशल फील करोगे, और मतलब वहाँ क्या क्या होगा? वहाँ सर्वाइवल के लिए तो पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ेगी। अबे यार ये लोग अगर हम एक आइलैंड पे बंद हो जाए, वहाँ पे कोई भी ना हो, हम लोग ऐसा क्या स्पेशल करें कि माहौल बन जाए? अब भाई देखो, अब जो धर्म पत्नी बनेगी वो रोमांटिक तो होनी चाहिए। देखिए पहली बात तो ये पूरा आइलैंड कभी बंद नहीं होता, ठीक है? आइलैंड का कोई गेट नहीं होता। नहीं मैंने, मेरे पास अनलिमिटेड पैसा, मैंने खरीद दिया आइलैंड, आइलैंड अपना है। लेकिन मैं तो मंदिर जाने वाली लड़की हूँ। नहीं यार मेरे को लग रही है सती सावित्री बनने की कोशिश कर रही है। फेक लग रहा है। अगर मंदिर जाने वाली है तो मतलब कभी कहीं जाएगी ही नहीं। मंदिर जाने वाले इंसान भी कहीं घूमते हैं, कहीं जाते हैं, वो भी उनके भी सपने होते हैं कि अलग अलग कंट्रीज में जाएं। तो ऐसे हम स्पेन जा सकते हैं। अरे स्पेन तो जाना ही नहीं, आइलैंड में बंद हो। और एक बात बताओ, ये भी जाएंगे क्या हमारे साथ कबाब में हड्डी? अबे यार ये तो सही कहा बिल्कुल। कोई तो आइलैंड है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आइलैंड पे आप ऐसा क्या रोमांटिक करोगे? सपोज करो सब अपना ही है, आपको
वहाँ पे जो बीच होगा ना उसमें गिरा दूंगी। ठीक है हटा दे इसे, नेक्स्ट पे चले जा। मानसी मेरा नाम याद है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आइलैंड पे एक बंद हो जाए और आइलैंड की चाबी तो मुझे चाबी का होती है बाहर आदमी यार, तो आप वहाँ मेरे साथ क्या करना चाहोगे? मैं खेलूंगी, आओ मिलो, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। पर प्रपोज कैसे करोगे? मुझे करना ही नहीं आपको। अरे यार ये तो कोई भी भाई, ये तो सारी अपने आप को पता नहीं क्या बन के बैठे हैं। बोल रही है भाई प्रपोज नहीं करना, सीधा शादी करनी है। सीधा शादी और सीधा आप तो डायरेक्ट मेन कोर्स पे आ रहे हो। हिमांशी से पूछ आप अपने आप को 10 में से कितने मार्क्स दोगे? तो मैं आपसे ही पूछ जाऊंगा हिमांशी कि आप अपने आप को 10 में से कितने मार्क्स दोगे? 10/10 ऐसा मतलब वो क्या लगता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है? पर्दा तो उठने दो फिर आप जवाब दोगे इस क्वेश्चन का। मेरा तो ये मानना है कि आप पर्दे के अंदर ही रहो फिर तो। कोई भी ऑनेस्ट नहीं है मुझे, ऑनेस्ट नहीं है यार ये, कोई भी ऑनेस्ट नहीं है, कोई भी ऑनेस्ट नहीं है। रिचा से पूछ। तो आप बताओ आपने आपको 10 में से कितने मार्क्स दोगे? 7। ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है भाई, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है। जासूस मानवी से पूछ कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं पहले? अनवी आपके एक्स बॉयफ्रेंड कितने रहे हैं? एक भी नहीं। झूठ, ओ झूठ, मेरे को पता था ये बोलेगी और ये झूठ बोलेगी। झूठ क्यों भाई, हो सकता है। कल आप बताओ 2-3-4 सोच ले पहले। अबे यार ये बुधवार में 1-2-3-4 रिचा से पूछ कितने बॉयफ्रेंड। मोटा भी पॉइंट मार रहा है गाइस। आपको क्या लगता है? दो एक। चलो इसने बोला तो यार। चलो नाइस 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 भाई। जासूस एक बड़ा ट्विस्ट, हमने रिचा को सेव करा है इस राउंड में ऑनेस्टी से, एंड रिचा डिसाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ लुक्स उसको हिमांशी को रखना है या फिर मानवी को रखना है। यार ये कुछ भी कर सकती है। मैं अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ आपको लुक्स के बेसिस पे, जो आपके साथ दो साथी खड़ी हैं उनमें से अब आपके पास एक ताकत है कि आप उन दोनों में से एक को एलिमिनेट कर सकते हो। ओके इट्स ऑल योर कॉल। दिस इज सच अ टफ गेम फॉर मी। 3-2-1 रिचा बोल दो। मानवी। मानवी को सेव या एलिमिनेट? सेव। चलो ये मानवी को ही पसंद कर रहा है स्टार्टिंग से ही। हिमांशी जी आप बाहर आ जाइए। ओ यार ये तो गलत कर रही है। अबे यार ये तो सुंदर है, गलती से मिस्टेक हो गई। मुझे लग रहा है इन दोनों से कहीं यही सुंदर मिले। अरे तुम्हें को निकाल दिया? वैसे मेकअप भी हो सकता है गाइस, मेकअप भी तो सब कुछ चेंज कर देता है। मैंने क्यों निकाला, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। ओके गाइस तो अब यहां से हम जाने वाले हैं फाइनल राउंड में, लेट्स गो। ओके गाइस अब है बारी मोमेंट ऑफ ट्रुथ की, वो फाइनल डिसीजन जिसके लिए हम स्टार्टिंग से इंतजार कर रहे थे। जासूस 5 लड़कियों ने स्टार्ट किया था, 3 को हमने एलिमिनेट कर दिया, फाइनली एक और एलिमिनेट हो जाएगा। बट आई रियली वांट टू आस्क ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटफिट, अब लाइक तूने पूरा आउटफिट देख लिया है, हुम डू यू प्रेफर? अपनी शादी के दिन अब नहीं। अबे यार तो मैंने यार मानवी को ही करेगा ये, अभी ये इसका फाइनल डिसीजन नहीं है। लेट द बॉयज कम, आ जाओ। विंग्समैन आ गए गाइस, विंगमैन। इसको चुप करा देते हैं और हम डिसाइड करते हैं। देखो मैंने इससे भी कुछ बेटर प्लान कर रखा है। ओए वेरी नाइस वेरी नाइस ट्विस्ट। चाचू ने भी ऐसा सोचा। जैसे ही मैं पर्दा हटाने के लिए इनको बोलूंगा, ये जब आगे आएंगी तो तुम चारों को जो लड़की तुम्हें लगे कि ये जासूस के लिए परफेक्ट मैच है, तुम या तो लेफ्ट हो जाओगे या राइट हो जाओगे। तो सबसे पहले लेट मी रिवील द गर्ल्स। गर्ल्स तुम बाहर आ सकते हो। ओके प्रोसेस करने दे। ओके तो यहाँ अब प्रोसेसिंग होने वाली है गाइस। आई थिंक रिचा की तरफ, मैं तो रिचा की तरफ जाऊंगा यार। ये क्या सीन चल रहा है, मैं तो इधर ही जाऊंगा। जासूस तेरे 5 विंग्समैन थे जिनमें से एक मैं तेरे साथ खड़ा हूँ अभी, उनमें से बाकी 4 में से 3 रिचा के साथ है और एक मानवी के साथ। तुझे भाई कोई झूठा इंसान चाहिए अपनी जिंदगी में, या कोई ढंग का अच्छा जो सोच समझ के बात करे? तो हाँ बात तो सही है, ये बहुत ज्यादा फ्लर्टी थी, मतलब जो इनिशियल फेज में सब होते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ अगर एक। अच्छा तो इनसे बात। अबे यार ये ये बिल्कुल नहीं सोच रहा बोलने से पहले। At the end of the video, she genuinely want to know about जासूस कि वो करता क्या क्या कर रहा है, लेकिन ये एंड तक मजा ही ले रही थी। Being very honest, मैं भी इस साइड हूँ। अब भाई
आज की वीडियो का विनर कौन होने वाला है, कौन बनने वाली है मोपी की भाभी? ओ भाई सलमान लोरी, चल ले सलमान, मतलब जासूस कोई भी जीता और इच्छा यू वॉन्ट हार्ट्स, जासूस को जितनी हेड देनी है ना दो, कमेंट भर दो, इसको हेड दो, लड़का अगर कुएं में कूदना चाहे तो वो कूदेगा, लड़की इंपोस्टर है, उसको ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मैं भी कमेंट कर देता हूँ, रिचा इज बेस्ट कमेंट। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, देखने में मजा आया होगा आपको, और सब्सक्राइब कर देना, मैं भी तुम्हारा ही भाई हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।